तो नमस्कार फ्रेंड, ये टेक्निकल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले कि गाइज आपने मोबाइल में इज़ माई ट्रेन ऐप से ऑनलाइन ट्रेन टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, आपने मोबाइल में इज़ माई ट्रेन ऐप से ऑनलाइन ट्रेन टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। सिंपल से गाइज, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर देना। सिंपल से गाइज, वीडियो को स्टार्ट कर लीजिए। सबसे पहले गाइज, आपको अपने मोबाइल में इज़ माई ट्रेन ऐप को ओपन कर लेना होता है। सिंपल से गाइज, मैं अपने मोबाइल में इज़ माई ट्रेन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। ओपन हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सिंपल से गाइस, आप अपने मोबाइल में ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं तो ट्रेन वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। सिंपल से गाइस, मैं यहाँ पर ट्रेन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करते गाइस, फर्स्ट में गाइस हमें अपनी जर्नी स्टेशन को यहाँ पर फिलअप कर देना होता है। सिंपल से गाइस, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं गाइस कहाँ से कहाँ तक जाना चाहता हूँ उन स्टेशन का नाम यहाँ पर फिलअप कर देना होता है। सिंपल से गाइस, मैं यहाँ पर अपनी जर्नी स्टेशन को फिलअप कर दिया। जर्नी स्टेशन को फिलअप करने के बाद नीचे की साइड हमें अपनी जर्नी डेट को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होता है। सिंपल से गाइस, मैं यहाँ पर डेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से गाइस अपनी जर्नी डेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। जर्नी डेट सिलेक्ट करने के बाद नीचे की साइड हमें अपने कोच को सिलेक्ट कर लेना होता है। सिंपल से गाइस, मेरा स्लीपर कोच है तो स्लीपर कोच को सिलेक्ट करके शो ट्रेन्स वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करते ही गाइस हमारे सामने वो सभी ट्रेनें शो करेंगी जो कि गाइस सेलम जंक्शन से चेन्नई सेंट्रल तक जाने वाली है। गाइस तो यहाँ पर देखिए गाइस, बहुत सारी ट्रेनें हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से गाइस आपको अपने टाइम और डेट के हिसाब से किसी भी ट्रेन को सिलेक्ट कर लेना हो। जैसे गाइस, मैं इस वाली ट्रेन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको कोच सिलेक्ट कर लेना। जैसे गाइस, मैं स्लीपर कोच सिलेक्ट कर लेता। स्लीपर कोच में देखिए गाइस, मेरे जो टिकट है वो अवेलेबल बता रहे गाइस। तो यहाँ पर देखिए गाइस, आपको अपनी डेट सिलेक्ट डेट के हिसाब से गाइस आपको टिकट वाला टिकट के सामने वाला ऑप्शन बुक के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही गाइस हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा गाइस। तो यहाँ पर देखिए गाइस, हमें स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की साइड आ जाना है और यहाँ पर देखिए गाइस ट्रैवलर का ऑप्शन देने को मिल जाता है। तो यहाँ से गाइस आपको अपने ट्रैवलर की डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर दी है। यहाँ पर सिंपल से गाइस एडल्ट्स के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही गाइस आपको अपनी डिटेल्स को यहाँ पर फिलअप कर देना होता है। आपको फर्स्ट तो अपना जेंडर चेक कर लेना है, फिर आपको अपनी एज फिलअप कर देनी है। एज फिलअप करने के बाद आपको अपना बर्थ प्रेफरेंस यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होता है। सिंपल से गाइस, मैं यहाँ पर अपना बर्थ प्रेफरेंस के इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर गाइस अपना बर्थ प्रेफरेंस साइड लोअर के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। फिर हमें सिंपल से गाइस यहाँ पर सेव एडल्ट्स के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। सिंपल से गाइस, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करते ही जो हमारे पूरी डिटेल्स है वो यहाँ पर फिलअप हो जाएगी। फिर हमें यहाँ पर राइट के इस ऑप्शन पर टिक लगा देना है। इस पर टिक लगने के बाद मैं स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की साइड आना और अपना ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप कर देना होता है। सिंपल से गाइस, मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। इस फिलअप करने के बाद नीचे की साइड आ जाना है। फिर हमें यहाँ पर देखिए अपना पूरा अमाउंट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फिर हम सिंपल से गाइस टिकट को बुक करना चाहते हैं तो मेक पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही हमें यहाँ पर अपना IRCTC यूज़र नेम पूछेगा। इस तो सिंपल से गाइस आपको अपना IRCTC का यूज़र आईडी है वो यहाँ पर फिलअप कर देना होता है। सिंपल से गाइस, मैं अपने IRCTC का यूज़र आईडी यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। जैसे ही गाइस अपना IRCTC का यूज़र आईडी फिलअप करेंगे, फिर हमें सिंपल से गाइस प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। सिंपल से गाइस, मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करते ही गाइस जो हमारे सामने वो सभी ऑप्शन शो करेंगे जिससे कि गाइस आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर देखिए गाइस, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है या फिर ATM कार्ड से भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, आपने मोबाइल में गूगल पे या पेटीएम है, नेट बैंकिंग है या फिर वॉलेट से भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर UPI पिन है और EMI पिन से भी गाइस अपना पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, नीचे की साइड आपको अपना पूरा अमाउंट भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे ही गाइस अपना पेमेंट फिलअप करेंगे तो गाइस आपका टिकट है वो कन्फर्मली बुक हो जाएगा गाइस। तो इस तरह से गाइस आपने इज माई ट्रेन ऐप से ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं गाइस। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइस, ताकि गाइस आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करे। थैंक यू गाइस।